हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितनी ही सुंदर सी एक करवा चौथ की थाली बनाई है, पूजा थाली बनाई है जिससे हम पूजा करते हैं। तो ये देखिए, ये करवा है जिसे मैंने सिंपल ही रखा है। ये मेरी छलनी है, इसे मैंने मिरर लेस से और गोल्डन लेस से और टसस लेस से डेकोरेट किया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। इस तरह की थाली अगर आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन खरीदोगे तो आपको 400 से 500 रुपए की मिलेगी। इसे आज हमने बहुत ही कम पैसों में 20 से 30 रुपए में आज हमने डेकोरेट कर तैयार कर लिया है और बहुत ही जल्दी बन गई है ये थाली। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमें करवा चौथ पर थाली यानी कि प्लेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम पूजा के लिए यूज करते हैं, एक छलनी की और एक करवे की। तो सबसे पहले हम करवे को कलर कर लेंगे। तो ये देखिए, करवे को मैंने कलर कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर किया है, आप अपने चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। तो इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पर छलनी ली है। तो सबसे पहले हम प्लेट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड कलर यानी कि मैं यहाँ पर येलो कलर का कपड़ा ले रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं, आप रेड कलर का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वेलवेट का कपड़ा लिया है, आप इसकी जगह कोई और भी कलर का या फिर और कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। जैसे मैंने वेलवेट लिया है, आप इसकी जगह पर कोई और भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे राउंड में कट कर लेंगे, इस तरह से रख कर, और इसे हम राउंड में कट कर लेंगे। मैंने इसे राउंड में कट कर लिया है। अब हम इसे चिपकाएंगे। तो आप कोई भी ग्लू का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लूँगी ग्लू गन, तो मैं यहाँ पर हॉट ग्लू का यूज करूँगी। तो बीच में हम सेंटर में थोड़ा सा लगा देंगे, जिससे सेंटर इसका चिपक जाएगा। तो सेंटर से चिपकाने के बाद अब हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे के किनारों पर, जिससे हम इसे चिपका सके और जो कपड़ा है वो निकले ना। तो ये देखिए, मैंने इसे साइड से पूरा चिपका लिया है, इसे पूरा किनारों से मैंने इसे पूरा चिपका लिया है। तो अब हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें दिख रहा है, उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसे अब हम इक्वल कर लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ कलर की लेस ली है, इनका यूज हम इसे डेकोरेट करने में करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दो तो मल्टी कलर की लेस ली है, एक मैंने ली है गोल्डन कलर की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से इस पर लेस लगाएंगे, जिससे इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आएगा, इस तरह से। तो आप कोई भी कलर की लेस का यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास यहाँ पर 2 से 3 कलर की हैं, तो मैं इनका यूज करूँगी आज, इस लेस इन लेसेस को लगाऊंगी। और आप अपने हिसाब से इसमें लेसेस को लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है ये। तो अब हमने ये टसस वाली लेस ली है, इसे हम कहीं से भी शुरू करेंगे और इसे हम इस तरीके से लगाएंगे इस पर। आप इस तरह की टसस वाली लेस जरूर लगाएं, इससे बहुत ही अच्छा सा इस पर लुक आएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लेस लगा दी है और इस थाली पर कितने ही 4 से 4 लग गए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है ये थाली इस तरह से टसस वाली लेस लगाकर। तो अभी हम इसके और डेकोरेट कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर ली है ये गोल्डन कलर की लेस, इसे लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम एक राउंड में इस लेस को लगाएंगे, इस तरीके से राउंड में फिराते हुए। तो इसे भी हमें राउंड में ही लगानी है, इस तरीके से।
ये देखिए इस तरीके से राउंड में लगाएंगे तो इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी ये। तो जिस तरह से हमने इसे चिपकाया है इसे भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर राउंड में ये लेसेस को लगा लिया है और ये देखने में कितनी ही सुंदर लग रही है। तो अब मैं इसे इतना ही सजा रही हूँ, आप चाहे तो इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत सजा सकते हैं। आप अपने हिसाब से इनको, जैसे मैंने यहाँ पर गोल्डन लेस लगाई है, आप और भी कलर की या फिर लेयर्स में लेस लगा सकते हैं। इस तरह से 3 लेयर्स लगा सकते हैं इन पर, बट मैं इसे इतना ही रख रही हूँ। और ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो अब हमने प्लेट तो सजा ली, अब हम चलते हैं छलनी की तरफ। तो मैंने यहाँ पर छलनी को सजाने के लिए इस तरह की स्टील की छलनी ली है। इसे सजाने के लिए इसके ही नाप से मैंने यहाँ पर कपड़ा कट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम कपड़े को इस पर इस तरह से रख कर चिपका लेंगे। तो हमें कपड़े को इतना कट करना है जितना इसका स्पेस है। इसे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा कट कर लेंगे जिससे ये थोड़ा सा इधर की साइड में आ जाएगा, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को इतना कट किया है, तो अब हम इसे भी चिपका लेते हैं। तो पहले हम ऊपर की साइड से चिपकाएंगे। ऊपर की साइड में हमने ग्लू लगाया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर येलो कपड़े को चिपका लिया है। तो अब हम इस पर लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर सेंटर में हम जो मिरर वाली लेस है उसे लगा लेंगे इस तरह से राउंड में। तो इसे हमें सेंटर में लगाना है। सेंटर में लगाने से क्या होगा, इसमें एक अच्छा सा लुक आएगा इससे मिरर से। तो ये देखिए राउंड में हमने गोल्डन लेस को भी लगा लिया है। अब हम लेंगे मल्टी कलर ट्रसेस वाली लेस जिसे हमने अपने उस पर लगाया था प्लेट पर, क्योंकि उसी का हमें लुक देना है इसमें। तो ये देखिए मल्टी कलर लेस ली है। अब हम इसे इस तरीके से इस तरह से लगाएंगे लेस को और इसे हम यहाँ पर लगाएंगे, ये देखिए ऊपर की साइड में। तो इसे हम साइज से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए छलनी को भी मैंने डेकोरेट कर लिया है। ये देखने में कितनी ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आपने देखा होगा कपड़े से और लेस की यूज से हमने कितना ही सुंदर इसे सजा लिया है। आप कोई भी लेस ले लें, बट ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। जब हम किसी चीज़ पर थोड़ा सा फैब्रिक लगाकर और उसमें थोड़ी सी लेस लगा देते हैं तो उसका लुक है वो बहुत अच्छा आता है। आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं कोई भी लेस हो। तो ये देखिए देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। तो हमने यहाँ पर प्लेट को और अपनी छलनी को डेकोरेट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं करवे की तरफ। तो यहाँ पर करवा लिया है। तो अब हम इसमें मिरर लेस नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे यहाँ पर टसस लेस इस तरीके से, क्योंकि इसे हम ज़्यादा डेकोरेट नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल सा ही रखेंगे इसे डेकोरेट में इस तरह से। एक लेयर हम यहाँ पर लगाएंगे, तो एक लेयर इसकी हम नीचे की साइड में लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पर। तो इसे भी मैं लगा लेती हूँ, इस पर चिपका लेती हूँ। तो ये देखिए करवे पर मैंने लेस लगा ली है। तो अब हम यहाँ पर गोल्डन लेस लगा देंगे इस तरह से सेंटर में। तो ये देखिए
इसे भी हमने डेकोरेट कर लिया है, सिर्फ लेस से ही किया है। तो मैंने यहाँ पर एक पहले टसस वाली लेस लगाई है, एक मैंने यहाँ पर ये गोल्डन कलर की लेस लगा दी है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। आप चाहे तो मिरर लेस भी यहाँ पर सेंटर में लगा सकते हैं, बट मैंने इसे सादा ही रखा है, सिर्फ टू लेयर्स लगाई हैं इस पर लेस की जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो यहाँ पर करवा भी हमारा बनकर तैयार है और ये देखिए जो छलनी है वो कितनी ही सुंदर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। और यहाँ पर प्लेट भी तैयार है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें बनकर तैयार हैं जो भी हमें करवा चौथ पर ज़रूरत होती है, करवे की, छलनी की और प्लेट की। तो यहाँ पर आप दो कटोरियाँ लेकर भी चिपका सकते हैं, उन पर थोड़ी थोड़ी सी लेस लगाकर एक कटोरी को आप यहाँ लगा लें और एक को यहाँ पर लगा लें। तो ये देखिए हमारी पूरी थाली बनकर तैयार है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।